ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का सुनहरा अभियान जारी है। गेम्स के चौथे दिन पूनम यादव ने 69 किलो वर्ग में पहला स्थान प्राप्त कर भारत की झोली में पांचवा स्वर्ण पदक डाला। भारतीय वेटलिफ्टर इस गेम में गोल्ड लिफ्टर साबित हुए और रविवार तक भारत की झोली में आए सारे गोल्ड वेटलिफ्टिंग से ही थे। भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स ने इस गेम में कमाल का प्रदर्शन किया। मीराबाई चानू, संजीता चानू, सतीश शिवलिंगम और वेंकट राहुल रगाला के बाद पूनम यादव ने भी गोल्ड उठाया। पूनम ने ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के 63 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था। गोल्ड कोस्ट में पूनम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 222 किलो वजन उठाया। इंग्लैंड की सारा डेविस 217 किलो वजन उठाकर दूसरे स्थान पर रही। कांस्य पदक फिजी की ओपोलोनिया वेईवेई को मिला, जिसने 216 किलो वजन उठाया था। पूनम ने अपनी बड़ी बहन के कहने पर यह खेल शुरू किया और अब वे देश के श्रेष्ठ वेटलिफ्टर्स में शुमार है। हालांकि अभी भारतीय शूटर्स बैडमिंटन, कुश्ती और बॉक्सिंग में भी उम्मीदें कायम हैं, लेकिन वेटलिफ्टर्स के कमाल के प्रदर्शन को सभी सराह रहे हैं।